राष्ट्रीय शैक्षिक मान्यता समिति यानी नैक की टीम गुरुवार को जमशेदपुर पहुंची, जहां टीम के सदस्य कोऑपरेटिव कॉलेज पहुंचे। हालांकि कॉलेज के मुख्य प्रवेश द्वार पर छात्र संगठनों के सदस्य धरने पर बैठे थे, इसलिए टीम को कड़ी सुरक्षा के साथ कॉलेज के पिछले गेट से प्रवेश कराया गया। बता दें कि कुल्हान छात्र संघर्ष मोर्चा सहित अन्य छात्र संगठन कोऑपरेटिव कॉलेज के प्राचार्य डॉ. अमर सिंह को हटाए जाने की मांग को लेकर आंदोलनरत हैं। छात्र संगठनों का आरोप है कि कोऑपरेटिव कॉलेज के प्राचार्य और कुल्हान विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार की मिलीभगत से पूरे कुल्हान खासकर कोऑपरेटिव कॉलेज का शैक्षणिक माहौल खराब हो चुका है। उन्होंने डॉक्टर अमर सिंह पर आदिवासी विरोधी होने का भी आरोप लगाया है। छात्रों ने आरोप लगाया है कि कुल्हान विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार एवं कोऑपरेटिव कॉलेज के प्राचार्य की मिलीभगत से विकास का पैसा भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुका है। फिलहाल कोऑपरेटिव कॉलेज के मुख्य द्वार पर छात्रों का धरना प्रदर्शन जारी है। छात्र संगठन के नेताओं ने कॉलेज के प्राचार्य पर लगे आरोपों को लेकर सक्षम पदाधिकारी से जवाब देने की मांग की है। मांग किए थे कि मजिस्ट्रेट और फोर्स तैनात करने के लिए, लेकिन हमें मजिस्ट्रेट और फोर्स नहीं दिया गया। आपको बता दे रहे हैं कि प्रिंसिपल पर कई गंभीर आरोप है। आदिवासी हॉस्टल का लिटिगेशन जो मामला न्यायालय में है, बोला जमीन देने का और विभिन्न तरह का करीबन कम से कम 10 से 15 एलिगेशन है कि ये अनफिट है और डिप्लोमेसी है, इसीलिए इनको यहाँ से हस्तांतरण किया जाए। आपको बता दे रहे हैं, हम लोग तो मजिस्ट्रेट और फोर्स तो नहीं मिला और गेट में मजिस्ट्रेट और फोर्स जो है ना वो तैनात कर दिया है मुख्य गेट में, और बैग वाला गेट से जो है ना नेक का टीम और जो भी अतिथि लोग हमको घुसा दिया है। इतना भयभीत क्यों है प्रिंसिपल? वो सामना करे छात्रों का। अगर हमारा आरोप निराधार है तो हमें क्लियर किया जाए कि आपका आरोप निराधार है, आपका आरोप पर कार्रवाई नहीं किया जा सकता है। सक्षम पदाधिकारी वो क्लियर कर दे। न्यूज विंग के लिए जमशेदपुर से गंगाधर पांडे की रिपोर्ट। टफकॉन XT600 HCR TMT रिबा, पहले भी बोला था अगर घर को बनाना है एक्स्ट्रा टफ तो आप भी दिखा सकते अपनी हीरोपंती टफकॉन XT के साथ।